भाइयों लास्ट एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा, हम लोग आ चुके थे टॉप 12 नंबर के अंदर, और यहीं पे दो दिन के बाद भाई हम लोग कौन सी रैंक पे आ चुके हैं वो जानने के बाद तो भाई आपके होश उड़ जाएंगे। अब हमारे पहले मैच के अंदर ही भाई मैं एक किल करने के बाद मर जाता हूँ, मेरे को एक बंदा मार देता है छुपकर, और मैं उतर के मरा था इसलिए भाई मैं फिर से रिवाइव हो जाता हूँ और मैं अपने रिसप्लाई की तरफ जाने लग जाता हूँ। अब सोलो मैच के अंदर लैंडिंग का तो आपको पता ही है ना भाई, जहाँ पर पहुंचना होता है वहाँ पे पहुंच ही नहीं पाते, और यहाँ पे गलत लैंडिंग की वजह से भाई मेरी उतरते के साथ ही माइनस होने से भाई बाल बाल बच गई। वो कैसे देखो, मैं अपने रिसप्लाई की तरफ जा ही रहा था तब मैंने सोचा भाई मेरे को गन वगैरह तो ले लेनी चाहिए, अगर मान लो मैं रिसप्लाई पे जाऊंगा और कोई बंदा मिल गया तो मैं डिफेंस तो कर सकूंगा, इसलिए भाई मैं घर की तरफ भाग रहा होता हूँ। और यार घर के अंदर मेरे को ठीक ठाक लूट भी मिल जाती है, G36 भाई मेडिकेट मिल जाती है, और ये समय था भाई मेरी रीसप्लाई की तरफ जाने का, तो मैं रीसप्लाई की तरफ जा रहा हूं तब देखता हूं भाई एक गाड़ी आ रही है। यहां पे भाई मैं ये सोच रहा था कहां से बंदा मेरे को देख ना ले, एंड ऐसा ही होता है, वो भाई मेरे को देख भी लेता है एंड मेरे को ठोक भी देता है। वो तो भाई शुक्र है मैं बिल्कुल कवर के पास जाके गिरता हूं एंड मैं घर के अंदर जाके छुप जाता हूं, और शायद से जो सामने बंदा था इसके पास कोई लूट ही नहीं थी, खाली गाड़ी थी, इसलिए इस बंदे ने मेरे ऊपर रश ही नहीं करा, और लिटरली भाई मैं तो ये सोच रहा था भाई पहले गेम के अंदर ही हमारी रैंक गई, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे मैं रीसप्लाई मैप को लूटता हूं, लकीली भाई हमारी वेंडिंग मशीन के ऊपर डिस्काउंट लग जाता है और मैं फटाफट से वेंडिंग मशीन से एडलम और भाई अर्सनल को परचेज कर लेता हूं, और दौड़ा दौड़ा जाता हूं भाई फटाफट से अर्सनल को लूटने के लिए, एंड अर्सनल को लूट के भाई मैं ऊपर को आ ही रहा होता हूं तब मेरे को एक बंदा दिख जाता है। अब यहां पे मैं वेट करने लगता हूं कि ये बंदा ओपन में आए, एंड ये ओपन में आ जाता है मैं इसको डैमेज दे देता हूं, बट ये बंदा ग्लूवर लगा लेता है एंड मैं आयरिस का यूज करता हूं, लेकिन इसके पास ताशी होता है, बच के भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो बंदा कवर के अंदर जा पाता मैं पहले इसको डाउन कर देता हूं, और इसी के साथ यहां पे हमारे दो किल तो हो जाते हैं और एडलम से हमारे दो किल करने बाकी रह रहे हैं। अब देखते देखते जोन आता है, जोन के अंदर मेरे को एक गाड़ी वाला मिलता है जिसको मैं डैमेज देता हूं, लेकिन वो बंदा गाड़ी लेके भाग जाता है, लेकिन इस बंदे की गाड़ी जल जाती है और इस बंदे की किस्मत बहुत बढ़िया थी, ये बंदा अपने को सेफ जगह पे जाके भाई कवर कर लेता है, वहां पे भाई दो तीन बंदे पहले से ही थे, और यहां पे मैं इन बंदों को बहुत देर तक मारने की कोशिश करता हूं, लेकिन यहां पे मेरा कोई फायदा नहीं हो पाता और उल्टा मेरे पे थर्ड पार्टी हो रही होती है। भाई कसम से सोलो के अंदर भाई थर्ड पार्टी वाले बंदे तो बिल्कुल भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, और भाई यहां पे तो तीन चार बंदे फाइट कर रहे थे, इसलिए मैं ट्रक से भाई कल्टी हो लेता हूं। अब ट्रक को लेके मैं ड्रॉप के ऊपर आ जाता हूं, लेकिन यहां पर एक लड़की होती है जो कि भाई मेरे ट्रक को फोड़ती रहती है। पहले तो यहां पे मैं उस लड़की को इग्नोर करता हूं, लेकिन यहां पे भाई बहुत ज्यादा हद हो जाती है भाई, वो मेरा ट्रक लिटरली पूरा जला देती है, और यहाँ पे मैं लड़की के ऊपर एम लेता हूँ एंड बंदी को हेड बना के मार देता हूँ, और इस हेडशॉट के बाद मेरे को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है क्योंकि भाई हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। अब बेशक से मैं यहाँ पे मर जाऊं या फिर मेरे को बुइया मिले या फिर ना मिले, लेकिन भाई मेरे को एडलम का पूरा प्लस मिल जाएगा। अब ना मैं जोन के अंदर आके एक बढ़िया सी जगह पे अपना ट्रक को खड़ा करता हूँ, लेकिन इतने एक बंदा आता है अपना ट्रक लेके एंड वो मेरे ट्रक के अंदर ठोक देता है, एंड मैं उसका ट्रक लेके भाग जाता हूँ और वो मेरा ट्रक ले लेता है जो कि फूटा हुआ था, और यहाँ पे उस बंदे के साथ स्कैम हो जाता है और भाई चिल्ला चिल्ला के मेरे पीछे भागता है, भाई मेरा ट्रक दे दे मेरा ट्रक दे दे, लेकिन मैं देता नहीं हूँ। अब जैसे मैं अपने ट्रक को एल शेप पे खड़ा करता हूँ, यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप आ रहे होते हैं, यानी कि भाई मेरे को मालूम पड़ जाता है पर कोई कैंप कर रहा है, और मैं ट्रक के ऊपर चढ़ के भाई उस बंदे को हेडशॉट बना के मार देता हूँ, एंड यहाँ पे बंदा सोच रहा होगा कहाँ से डैमेज पड़ा, बट लेकिन भाई उस बंदे के पास दिमित्री होता है, वो बंदा रिवाइव हो जाता है और मैं कुछ कर भी नहीं पाता हूँ। मैं सोच तो रहा था भाई लॉन्चर मारूंगा लॉन्चर से किल आ जाएगा, लेकिन भाई ऐसा करता भी हूँ, लेकिन भाई लॉन्चर का बहुत ही कम डैमेज आता है, शायद से बंदे के पास भाई लेवल 4 की वेस्ट होगी, एंड मैं बंदे के ऊपर सीधा रश कर देता हूँ, ट्रोगन से ही बंदे को क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे 4 किल हो जाते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पर देखो जोन की तरफ भाई, इतने छोटे जोन के अंदर भाई लिटरली 8 बंदे मेरे अलावा बचे होते हैं। थोड़ा ऊपर आके मैं ट्रक वाले बंदों से भाई फाइट ले रहा था एंड भाई इन बंदों का सर्कस देख रहा हूँ, हाँ भाई देखो कैसे गाड़ी वगैरह उड़ाए जा रहे हैं, आसमान की ऊंचाइयों में। अब इतना सारा ड्रामा भाई कम ही था कि एक बंदा मेरे पे थर्ड पार्टी करने के लिए शांति से रस कर देता है, और ये बंदा भाई मेरे पे इवो M10 लेके रस करता है एंड मेरे को डैमेज भी दे देता है। अब मैं अपने को थोड़ा बहुत कवर वगैरह करके हील वगैरह करके एक मोस्टर ट्रक नीचे खड़ा रहता है उसमें जाके बैठ जाता हूं, और लिटरली भाई उस ट्रक को कोई और चला रहा होता है एंड इतने भाई जो हमारे से लड़ रहा था ना बंदा वो भी नीचे आता है और वो भी ट्रक के अंदर आके बैठ जाता है, यानी कि हम 3 लोग एक ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं। अब ये बंदा ट्रक को ऐसे घुमा रहा होता है भाई, मैं तो सोचता हूं मैं तो उतर जाता हूं, जैसे ये बंदा घुमाता है एंड मैं यहां से उतर जाता हूं और मैं घर के अंदर चले जाता हूं, और भाई यहां पे एक बंदा 2 माइन लगा के चले जाता है, एक माइन को तो भाई मोस्टर ट्रक वाला फोड़ देता है और एक माइन को मैं फोड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो फूटता ही नहीं है एंड भाई मैं उसके ऊपर गलती से चढ़ जाता हूं, मेरे को डैमेज आ जाता है, एंड जैसे ही मैं हील करता हूं एक बंदा भाई घर के अंदर आ जाता है और मैं घर से बाहर चले जाता हूं। अब यहां पे भाई मेरे को मालूम है भाई हील बैटल तो होने वाली है, लेकिन मैं एक बंदे को डैमेज देता हूं पूरा कवर कर लेता हूं, और यहां पे मैं सोचता हूं थोड़ी हील बैटल करेंगे एंड बंदों के ऊपर रश कर देंगे। मैं ऐसा ही करता हूं, हील बैटल करता हूं थोड़ी बहुत, मतलब अपनी हेल्थ वगैरह भरता हूं और मैं रश कर देता हूं, लेकिन भाई कोई फायदा नहीं होता, एक बंदा आके मेरे को पीछे से मार के चले जाता है। और हमारा पहला गेम प्ले इतना इंटेंस और थोड़ा फनी सा गया, और हम लोगों ने भाई पूरी मेहनत भी करी लेकिन हमारा बुइया नहीं निकल पाया। चले कोई नहीं, गेम खेलते हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों को याद होगा मैंने पिछले एक एपिसोड के अंदर पूछा था कि मेरे को भाई एडलम के अलावा मेरे को वेपन ग्लोरी के अंदर पुश करने के लिए भाई कोई और सी गन भी सजेस्ट करो, और मैंने एक गन डिसाइड भी कर लिया जो कि है भाई
ये M24 और जो कि लकीली मेरे को इस वाले मैच के अंदर मिल जाती है। वैसे आप लोग कमेंट सेशन के अंदर बताओ मेरे को M24 के अंदर पुश करनी चाहिए या फिर नहीं। और यार अगर आप लोगों को कोई ट्रिक पता हो कि भाई हम M24 को हर गेम के अंदर कैसे पा सकते हैं तो यार प्लीज कमेंट सेशन के अंदर बता देना, मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अब जैसे मैं लूट कर रहा था इधर एक बंदा गाड़ी लेके आ जाता है, मुझे तो लगा था सिर्फ भाई ये बंदा टोकन लूटने आया, लेकिन भाई ये टोकन लूट के सीधा अंदर ही आने लगता है। और जैसे ये बंदा भाई मेरी तरफ आता है मैं इसको भाई पहले तो टोकन से डैमेज दे देता हूँ एंड यहाँ मैं इसको M24 से सीधा भाई नॉक डाउन कर देता हूँ। लेकिन भाई इस बंदे के पास दिमित्री होता है और मैं जाके इसको फटाफट से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा M24 से पहला किल तो हो जाता है और यहाँ पे हमको खाली 2 किल करने थे। यहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी तो भाई बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन ये स्ट्रेटजी मेरे लिए उल्टी हो जाती है। अब क्या स्ट्रेटजी, पहले मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ। भाई आप लोग को मालूम होगा M24 एक ट्रैश गन है, यानी कि बिल्कुल कबाड़ है। लिटरली इस गन के हेडशॉट से एक बंदा भी नहीं मरता है, लेकिन भाई आप लोग देख सकते हो बॉडी शॉट का सिर्फ 70 का ही डैमेज देती है। तो यहाँ पर मेरे को लड़की दिख जाती है और यहाँ पे मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजी थी कि भाई मैं पहले ट्रोगन से डैमेज दूंगा एंड आखिरी की गोली भाई अपनी M24 से कनेक्ट कर दूंगा। और हाँ यहाँ पे मैं लिटरली ऐसा ही करता हूँ, पहले तो मैं लड़की को ट्रोगन से डैमेज दे देता हूँ एंड लड़की बच्चे भागने की कोशिश करती है, लेकिन भाई मैं बहुत ही स्मार्टली उसको भाई M24 से मार देता हूँ। और इतने भाई यहाँ पे पर्पल वेंडिंग मशीन आ जाती है जिससे भाई मैं एक एडलम परचेज कर लेता हूँ और सोचता हूँ भाई अभी तो मेरा M24 का मिशन भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो यानी कि M24 से एक किल करके हम लोग वापस से शॉटगन ले लेंगे। और जब तक हम लोग M24 से एक किल नहीं कर लेते तब तक हम लोग डबल स्नाइपर का यूज करेंगे। और भाई मेरी किस्मत इतनी बढ़िया होती है कि मैं बंदे के बारे में सोच ही रहता हूँ, मेरे को एक नूब सा बंदा दिख जाता है और भाई लिटरली इस बंदे को मैं हेडशॉट से मार देता हूँ और यहाँ पे हमारा M24 से भाई पूरा मिशन कम्प्लीट हो जाता है। लेकिन बस ऐसा मेरे को लग रहा था, हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे मेरे साथ क्या हुआ। खैर इस बंदे को मारने के बाद सबसे पहले मैं M24 की जगह ट्रोगन को उठा लेता हूँ। जैसे मैं पी की साइड जाता हूँ यहाँ पे कुछ बंदे फाइट कर रहे होते हैं, तो भाई मैं सीधा लॉन्चर पैड से वाइल्ड कार्ड एंट्री ले लेता हूँ इस घर के। और यहाँ पे आते ही सबसे पहले मैं माइन लगा देता हूँ ताकि कोई मेरे पीछे बंदा आए तो सीधा बंदा मर जाए और यहाँ पे मेरे को फ्री का किल भी मिल जाए। अब सामने एक लड़की होती है जो कि मेरे को दिख जाती है एंड मेरे पे फायर भी करती है, लेकिन यहाँ पे मैं उसको पहले बॉडी शॉट मारता हूँ और वो बच जाती है। अब उस लड़की को इग्नोर करके मैं थोड़ा नीचे की साइड आता हूँ तो मेरे को मालूम पड़ता है एक लड़की देखो भाई मेरा लॉन्चर पैड यूज करके मतलब उड़ना चाहती है और वो उड़ेगी तो सीधा मेरे माइंड से मर जाएगी, इसलिए मैं उसको पहले ही मतलब अपने एडलम से मार देता हूँ हेडशॉट बना के। और यहाँ पे हमारा पहला किल हो जाता है एडलम से, वो भी हेडशॉट से, यानी कि अभी के टाइम पे हमको एक ही किल करना है वो भी बॉडी शॉट से चलेगा। इस लड़की को मार के मैं सीधा ट्रक से जोन में जाने लगता हूँ, तभी एक बंदा मेरे पास से निकलता है एंड मैं उतर के सीधा उसको एडलम से पहली गोली कनेक्ट कर देता हूँ एंड दूसरी एमओ से इस बंदे को खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे भाई बिल्कुल शॉर्ट रेंज के अंदर मैं एडलम से उस बंदे को मार देता हूँ और वो लड़की जो मतलब उस एल शेप के अंदर कैंप कर रही थी वो भी हमारे सामने आ जाती है एंड मैं इस लड़की की ग्लू वॉल के ऊपर भाई आयरिस का यूज करता हूँ। और ये लड़की भाई बड़ी शातिर थी, देखो भाई 3-4 ग्लू वॉल लगा लेती है, लेकिन इसको मालूम नहीं 3-4 ग्लू वॉल के पार भी आयरिस का डैमेज पड़ता है और मैं इसको एक गोली कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मर जाती है। यहाँ पे जस्ट हमारे अलावा आखिरी बंदा ही बचा होता है और मैं ट्रक में बैठ के इसके ऊपर रश कर देता हूँ एंड उसके ऊपर ठोक भी देता हूँ लिटरली। एंड भाई उस बंदे को मैं एडलम की गोली मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो ओरियन बन जाता है एंड जैसे वो मतलब नॉर्मल होता है मैं उसको एक और गोली मारता हूँ लेकिन बंदा मरता नहीं है, पता नहीं कैसे। फिर मैं आयरिस का यूज करता हूँ एंड यहाँ पे उस बंदे को एक गोली मार देता हूँ और यहाँ पे हो जाता है हमारा बुई एंड वो भी पूरे 7 किल के साथ, यानी कि थाला फॉर रीजन। अब ये जो गेम था भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा मायावी शक्ति वाला गेम था, क्योंकि पता नहीं ना जाने भाई मैं कैसे भी गोली मारा रोज सीधा हेड पे जाके कनेक्ट हो जा रही थी। जैसे आप लोगों ने देखा भागते हुए लड़की को मैंने कैसे हेडशॉट मारा। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पे कुछ बंदे फाइट कर रहे होते हैं एंड मैं थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे ऊपर ही थर्ड पार्टी हो जाती है एंड जो बंदा थर्ड पार्टी करता है पहले तो मैं उसको बॉडी शॉट मार देता हूँ एंड उस बंदे के ऊपर रश करता हूँ और भाई वो बंदा भी लिटरली मेरे ऊपर रश कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैं उस बंदे को सीधा वन टैप मारता हूँ एंड यहाँ पे भाई मैं ग्लू वॉल लगा के भाई क्या ही मतलब सुपर हीरो की तरह इस बंदे को क्लियर कर देता हूँ। तो भाई देख लो यहाँ पे मैंने दूसरा हेडशॉट मार दिया, वो भी एडलम से सीधा वन टैप। अब मैं थोड़ा आगे को आ जाता हूँ और ये बंदा जो किया भाई ये थर्ड पार्टी करा था आप लोग को याद होगा जब मैं उस बंदे को क्लियर कर रहा था, इस बंदे को मैं एक बॉडी शॉट मार देता हूँ और लिटरली मैं सोचता हूँ इस बंदे को हम लोग वन टैप ही मारेंगे। तो मैं एक नेट फेंकता हूँ ताकि भाई ये बंदा खिड़की से कूद के भाग ना सके और ये बंदा ग्लू वाली लगा देता है, खुद को पैक करने की कोशिश करता है लेकिन मैं अंदर घुस जाता हूँ एंड यहाँ पे इस बंदे को हेडशॉट मारने की तो कोशिश करता हूँ। देखो भाई मेरा एम हेड पे ही था लेकिन बॉडी शॉट लग जाता है। यार इस मैच के अंदर कई बार मेरी शक्ति खत्म हो जा रही थी, यानी कि बैटरी खत्म हो जा रही थी मेरी शक्तियों की। और भाई गेम के अंदर मैं कैंपर के बारे में क्या ही बोलूं, कैंपर पीछा छोड़ ही नहीं रहे। देखो भाई कहां पे बंदा चढ़ा होता है वो भी जोन के अंदर और यहाँ पे बंदा मेरे को इतना ज्यादा डैमेज दे देता है लेकिन भाई मैं उसको एकदम से सीधा डाउन कर देता हूँ। और भाई देखो किस्मत कितनी अच्छी है, बंदा पीछे जाके बच जाता है, यानी कि ऐसी जगह पे नॉक होता है वहां पे मेरा एम भी नहीं जा रहा होता है लेकिन बंदा ग्लू वॉल लगाता है। मैं आयरिस इसकी वजह से यूज करना पड़ता है और मैं इस बंदे को आयरिस का यूज करके मार ही देता हूँ कैसे ना कैसे करके और अपना जोन भी आ जाता है। तो हम लोग लॉन्चर पैड का यूज करके सीधा जोन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जैसे मैं जोन के अंदर आता हूँ यहाँ पे एक खतरनाक बंदा होता है जो कि भाई मेरे को डैमेज देने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले मैं ग्लू वॉल लगा लेता हूँ। अब वो बंदा तो मेरे से बच जाता है लेकिन एक बंदा भाई बहुत देर से उंगल करे जा रहा था, मतलब फालतू का डैमेज दिए जा रहा था। अब वो बंदा भाई देखो किस्मत से भाई मेरे सामने आ जाता है और वो बंदा ठुक जाता है ट्रक से तुक्के से एंड यहाँ पे मैं उसको मारने की कोशिश करता हूँ। बंदा गाड़ी के अंदर बैठ जाता है एंड मैं गाड़ी के अंदर उसको सीधा हेडशॉट मारता हूँ, वो भी वन टैप और मतलब बॉडी शॉट से क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने काइंड ऑफ एक तुक्के
का हेडशॉट तो मार ही दिया था, लेकिन मैं मॉन्स्टर का यूज करके उस बंदे के घर में चढ़ जाता हूँ जो कि मतलब मेरे को शुरू शुरू में दिखा था जब मैं आया था। तो वो बंदा लूट रहा होता है, मैं उसको सीधा वन टैप मार देता हूँ, वो बंदा डाउन हो जाता है एंड उस बंदे को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे एम को क्या हो गया था इस मैच के अंदर कि भाई ओनली हेड पे चिपक रहा था। यार आप लोग खुद ही सोचो अगर मेरे हर गेम के अंदर ऐसे हेडशॉट लगने लगे तो यार आप लोग तो मेरे को हैकर बोलना शुरू कर दोगे। अब यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस भाई सातवें आसमान पे हो चुका था और जो लास्ट लड़की थी मैंने सोचा भाई उसको खाली एडलम से ही मारते हैं और वन टैप मारने की कोशिश करेंगे। इवन भाई मैं उस लड़की को कई बार डैमेज देता हूँ लेकिन वो बार बार बच जाती है, बार बार बच जाती है। लेकिन आप लोग को मालूम होगा किसी किसी कॉम्बैट के अंदर ऐसा हो जाता है ना कि भाई हमारा पहले तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है लेकिन हमको मालूम पड़ता है यार हम बहुत बेकार खेल रहे हैं, यानी कि हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और लिटरली मेरे साथ यहाँ पर यही होता है, मेरे को लगता है भाई मैं लड़की को डैमेज तो देते जा रहा हूँ लेकिन भाई वो शॉर्ट रेंज गन यूज कर रही है, कहीं मेरी ग्लूवल ना लगी तो क्या होगा। और ऐसा ही होता है यार, एकदम से मेरा ध्यान भटकता है और मेरी ग्लूवल लगने में दिक्कत हो जाती है और वो लड़की बुया ले जाती है। और ये बात करें इस वाले मैच की तो इस मैच के अंदर मेरे को करेट से एक एडलम और मिल जाती है और यहाँ पे मेरे को डबल एडलम मिल जाती है। अब पिछले मैच के अंदर मैं एडलम की वजह से मरा था तो भाई थोड़ी ट्रेनिंग करने के लिए मैं डबल एडलम उठा लेता हूँ। एंड हाँ, आप इसे बहुत सारे लोग बोलते ही रहते हैं कि डबल एडलम का यूज करो, डबल एडलम का यूज करो। फाइनली हम लोग इस मैच के अंदर डबल एडलम का यूज करने वाले हैं, लेकिन भाई मैं डबल एडलम का यूज इसलिए नहीं करता कि भाई मेरे को चलानी नहीं आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मेरे से ना भाई ग्लूवल ढंग से नहीं लगती है। लेकिन वैसे ये वाला मैच बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, ये वाला मैच आप लोग एंड तक देखो भाई, बहुत ज्यादा मजा आएगा। आखिरी मैं वहां से एडलम लेके जोन के अंदर जा रहा था तभी एक गाड़ी वाला मेरे सामने उतर जाता है और जिसके पास ट्रोगन होती है, लेकिन भाई वो बंदा मेरे को नोटिस ही नहीं करता, वो बंदा किसी और से फाइट कर रहा होता है। लेकिन भाई वो मेरे को देख लेता है, मेरे ऊपर भाई स्कैलर भी फेंकता है लेकिन उसका स्कैलर फेल हो जाता है और उसी के स्कैलर की मदद से मैं उसको एडलम की एक शॉट तो कनेक्ट कर देता हूं एंड भाई मैं फिर उसके ऊपर रश करने की कोशिश करता हूं लेकिन वो बंदा गाड़ी लेके भागने लगता है, तभी मैं उसकी गाड़ी जला देता हूं एंड जैसे ही वो उतरता है मैं उसको सीधा डाउन कर देता हूं। लेकिन यहां पे मैं क्लियर करता हूं भाई, उसके पैन पे गोली लग जाती है, ऐसा मतलब जो भी था डंडा वगैरह वो क्लियर हो जाता है, लेकिन भाई वो बंदा खड़ा हो जाता है और मैं भाई यहां पे भाई वो बंदा कवर कर लेता है तो मैं समझ गया था भाई यहां पे मैं फंसने वाला हूं। तो इसलिए भाई मैं मतलब सीधा पोर्टल का यूज करके जोन के अंदर आ जाता हूं एंड जैसे मैं जोन के अंदर लैंड करता हूं सीधा भाई वो एनिमी एलिमिनेट हो जाता है और यहां पे भाई मेरे सामने एक बंदा ही होता है जिसको भाई मेरे को मारना था। तो भाई अभी हम लोग देखते हैं हम लोग इसको मार पाते हैं या फिर नहीं। और भाई मैं डबल एडम का यूज करने वाला हूं भाई, मतलब फास्ट स्विच के हिसाब से, मतलब आप लोगों ने पीसी के अंदर देखा होगा ना मतलब कैसे स्विच करते हैं, वैसे हम लोग स्विच करने की कोशिश करेंगे। ओके तो सामने एक बंदा है यार, यहां पे एक शॉट तो मिस हो गया। चलो यार यहां पे ये बंदा भाई इस पे एम ही नहीं जा रहा है। ओके एम गया अब क्वेरी और यहां पे मैंने इसको डैमेज भी दे दिया है और यहाँ पे मैं इस बंदे को बहुत ही इजीली डाउन तो कर देता हूँ लेकिन भाई उस बंदे के पास दिमित्री होता है और जैसे मैं उसके पास जा रहा होता हूँ यहाँ पे मेरे को एक और कार्टून दिख जाता है जो कि मेरे ऊपर नेट कर रहा होता है, लेकिन मैं बाल बाल बच जाता हूँ, मैं पहले ही आगे आ जाता हूँ और मैं ट्रक को लेकर सीधा उस दिमित्री वाले बंदे के पास आता हूँ लेकिन ट्रक उसे ठुकने से मिस हो जाता है, लेकिन मैं उसको एकदम से दो गोली कनेक्ट करके यहाँ पे इजीली डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे चार किल हो जाते हैं। अब यहीं पे थोड़ा लूट लाट के मैं थोड़ा जोन के पास में जा ही रहा होता हूँ तभी भाई मेरे को यहाँ पे किसी के फुटस्टेप आने लगते हैं एंड वो बंदा मेरे को डैमेज भी दे देता है, लेकिन जैसे रस कर रहा था मैं उसको एक गोली कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ग्लूवल लगाने की ट्राई करता रहता हूं लेकिन मेरी ग्लूवर नहीं लगती, देखो भाई यही डर लगता है मेरे को। अब मैं उसी के साथ आयरिस का यूज करता हूं एंड भाई मतलब उस बंदे को डाउन कर देता हूं लेकिन भाई उसको क्लियर नहीं कर पाता हूं और वो रिवाइव हो जाता है और हील वगैरह करके मेरे ऊपर रस कर देता है और जैसे वो बंदा मेरे ऊपर रस करता है मैं सीधा उसको एक गोली कनेक्ट करता हूं और वो बंदा मर जाता है, लेकिन हां उस बंदे ने हील नहीं करा था शायद। और वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर यह भी बता देना कि डबल स्नाइपर मैं ढंग से यूज कर भी पा रहा हूं या फिर नहीं। खैर मुझे यह बात तो मालूम है अभी के टाइम पे मेरे को इंप्रूव करने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन हां आप लोग बता देना। अब इस बंदे को मारने के बाद जैसे मैं ध्यान देता हूं जस्ट हमारे अलावा एक ही बंदा बस है और जिस बंदे को मैं बहुत ज्यादा ढूंढता हूं लेकिन वो मेरे को मिलता नहीं है, लेकिन भाई मैं देखता हूं बंदा तो भाई जोन के बाहर सर्वाइव कर रहा है। लिटरली भाई कितने कैंपर आते हैं गेम के अंदर एंड मैं उस बंदे पर रस करके उसको एक गोली के अंदर मार देता हूं और यहां पे हो जाता है हमारा बुइया वही पूरे 6 किल के साथ। और इसी के साथ हम लोग बात करें हमारे स्कोर की तो भाई मैं आपको पहले ही बता दूं अभी के टाइम पे भाई मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, आप लोग को मेरी आवाज से मालूम पड़ रहा होगा, लेकिन फिर भी भाई मैं वीडियो बना रहा हूं एंड आप लोग के लिए गेम खेल रहा हूं क्योंकि भाई हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है। लिटरली देखो जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं ना सिर्फ 15 सब्सक्राइबर ही चाहिए थे और क्या पता आप लोग जब वीडियो को देख रहे हो क्या पता हो भी गए हो, लेकिन भाई फिर भी यार सब्सक्राइब तो कर ही देना, हम लोग का 50,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा आगे जाना है अभी तो। हाँ हमें अपनी प्यारी सी फैमिली को एक्सपेंड करना है बहुत बढ़िया लेवल पर और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक तो कर ही देना और अगर हमारे 50,000 सब्सक्राइबर तब तक कंप्लीट हो गए होंगे तो प्यारा सा कमेंट कर देना। और यही पे हम लोग बात कर रहे हैं हमारी रैंकिंग की तो आप लोग देख सकते हो अभी के टाइम पे हम लोग इंडिया के अंदर टॉप 15 नंबर पर चल रहे हैं। भाई मैं अपनी पूरी मेहनत लगा रहा हूं, मैं जितना खेल सकता हूं उतना खेल रहा हूं लेकिन भाई ये बंदे मेरे से ज्यादा खेल पा रहे हैं क्योंकि यार जब मैं वीडियो बनाने आता हूं तब भी ये लोग खेलते रहते हैं एंड जब मैं सोता हूं तब भी ये लोग खेलते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग तब भी इनको बीट करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। एंड हां दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।